राम राम कथा सुर धेनु समय सेवक सब सुखदान सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा काम धेनु समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों की समाज ही सब देवताओं के लोग हैं ऐसा जानकर से कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी संशय बेहग उड़ावन हारी। राम कथा कलिब टप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदरता ली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरत सुहाए जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदन और श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरत जन्म और कर्म तथा सभी अगणित कहे हैं जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जस मत मोरी कहाँ देख प्रीत अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोह सुहानी तदभी मोह बस कहो भवानी। तुम्हें जो कहा राम को आना जेही श्रुत गाव धरही मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि बस तुमने मोह के बस होकर कही है तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन ध्यान करते हैं। कहां ही सुना ही अस अधम नर ग्रसेज मोह पिसाज। पाखंडी हरि पद विमुख जान ही झूठ न साज। जो मोह रूपी पिसाज के द्वारा ग्रस्त हैं पाखंडी हैं भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञया को अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कोटल बिसेखी सपन हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहा है ते वेद असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मल नरु नयन विहीना राम रूप दिखहिं किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें किया करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से हीन हैं वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही ते नहीं कहत कछुआ घटत नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं जो श्री हरि की माया के बस होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमत रहते हैं उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव है संभव नहीं है अनिसंभव है। बातुल भूत बेवस मत वारे ते नहीं बोला ही बचन बेचारे।
जिन कृत महामोह मद माना तिन कर कहा करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग सन्नपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदरा पी रखी है, उनके कहने पर ना कान देना चाहिए। आसे ने जय हृदय बिचारी तज संशय भज राम पद, सुन गिरि राज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन सम मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। शगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गा वही मुनि पुराण बुध भेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सुहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहते सगुण सोई कैसे, जलो है मैं ओ पल बेलग नहीं जैसे। जा सुनाम भ्रमत मर पतंगा, तह के मैं कहाई बेमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह मुनि पुनि वे ज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वर युक्त भगवान है, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परिश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु और प्राण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरो से प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायो माथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलभाई सब संतन की जय।